वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बिटकॉइन बर्नर में। सो आज आपके लिए क्या हूँ, क्विक अपडेट XRP टोकन के बारे में, प्लस बात करेंगे BTT टोकन के बारे में, क्या स्टैट्स चल रहे हैं इन कॉइन का मार्केट में, प्लस क्या क्या न्यूज़ निकल के आई है लास्ट 24 आवर्स में, और क्यों ये कॉइन दोनों अपवर्ड ट्रेंड में है जहाँ बाकी मार्केट डाउन चल रही है। तो आपको सब बताऊँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। एंड यस यार, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 चैनल पे आओ और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स का सबसे पहले पता चले। हम डेली बेसिस में क्रिप्टो करेंसी अपडेट करते हैं, तो प्लीज़ यार जल्दी सब्सक्राइब कर देना, प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें हम नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं, तो वो भी ज़रूर चेकआउट करना। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, सीधा शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़। पहले हम चलते हैं प्राइस पे। अगर हम XRP का प्राइस देखें, आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से, तो प्राइस चल रहा है 0.5384, जो कि 4% से अप है, 4.49% से अप है लास्ट 24 आवर्स में। बिटकॉइन और एथेरियम पे दोनों 3% और 3% पे ऐसे अप है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। लोज हम देख रहे हैं 0.4876 और हाइज देख रहे हैं 0.5438। ये वही लोज और वही हाइज हैं जिसके बारे में हम कल मेजरली बात कर रहे थे, एंड हमको देखना मिला कि ट्रेड वॉल्यूम में 9% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमको। मार्केट कैप और फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप दोनों अप हैं। आते हैं लास्ट वन डे के पार्ट में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपना बिटकॉइन 0.48 का लेवल टच किया था। मैंने आपको बताया था 0.48 का लेवल एक वन ऑफ द मेजर रेजिस्टेंसेस है। आफ्टर 0.50 के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 0.48 है, एंड ये बढ़िया है कि सपोर्ट पे आके वापस पुल बैक किया है इसने 0.50 के ऊपर, एंड हमको इसका राइज देखने को मिला है 0.5438 तक, तो ये एक ज़रूर पॉजिटिविटी है। तो हम इसके बारे में अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे, तो बात करते हैं पहले आर्टिकल से। एक ही आर्टिकल है आज, ज़्यादा मैं न्यूज़ आपके लिए क्विक अपडेट्स लाऊंगा, अब से मैं ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं लाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लोगों को देखने में इंटरेस्ट भी नहीं आता। सो आज एक मेजर आर्टिकल था, यही कवर करेंगे बेसिकली। इसमें यही बताया कि जैसे आपको पता है कि हमने XRP में जितना भी सारी मार्केट में ओवरऑल डिक्लाइन मिला है, XRP इसने सारा इग्नोर किया और XRP ऊपर आया जहां बाकी सारे मोस्ट ऑफ द आल्टकॉइन स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर आने के लिए और सारे फॉल पे हैं, वहां हमको XRP का राइज देखने को मिला है। आपको मैं पहले एक बात बता दूं, आपको पता है पिछले कुछ टाइम से जब से लॉ सूट फाइल हुआ है तब से XRP एक थोड़ी सी न्यूज़ बेस्ड क्रिप्टो करेंसी भी हो गई है, प्लस आपको पता ही है कि कोई भी SEC रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ या SEC से केस से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ आती है उसका हमको XRP के प्राइस पर बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो जो अभी कंडीशंस दिख रहा है कि XRP USD जो पेयर है वो अनचेंज्ड है और अभी बियर्स हॉल्ट पे है, अभी कोई बियरिंग फैक्टर नहीं दिख रहा, एंड टोकन रिबाउंड कर रहा है 0.55 पे। प्लस हमको देखने को मिला कल और परसों से हमको देखने को मिल रहा है कि ट्विटर में US में रीलिस्ट XRP ट्रेंडिंग है। मैंने कल की वीडियो पे कवर किया हुआ है, कल की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे सारे जितने भी इसके सपोर्टर्स हैं सारे इकट्ठे होकर XRP को अब रीलिस्ट कराना चाहते हैं उन क्रिप्टो एक्सचेंजेस से जहाँ पे ये बैंड है। जैसे कि आपको पता है वन ऑफ द मेजर है, एक तो अपना कॉइनबेस हो गया, वहाँ पे इसको ये रीलिस्ट करवाना चाहते हैं, प्लस क्रेकन जैसी इतनी बड़ी बड़ी है वहाँ पे जिनका XRP पर जो जितने भी XRP था उनके वॉलेट्स में सब हो गया था फ्रीज, प्लस वो ना ही कर पा रहे थे ट्रेडिंग। तो ये अगर ये वहाँ पे अनलॉक हो जाता है, रीलिस्ट हो जाता है, तो इसका हमको काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा इसका हमको इसकी प्राइस पे। अगर हम देखें आज का, तो आपको पता है कि 0.60 की तरफ कल ये गया था, एंड उसके बाद हमको 0.60 से हमको रिजेक्शन मिली थी और फिर ये वापस आ गया था 0.55 की तरफ, एंड फिर उसने पुल बैक किया था पीछे, बट यस ये फिर से 0.50 के ऊपर गया है। तो हमको अभी तक तो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ दिख रहा है, एंड जो आउटलुक है अभी बिल्कुल ठीक है और बियर्स अभी कोई प्रॉपर दिख नहीं रही, कोई बियरिश नहीं दिख रहा है हमको अभी तक लिए, क्योंकि 0.4440 है इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल है, जब तक ये उससे नीचे नहीं जा सकता हम नहीं कहेंगे कि ये ऑन अ बियरिश मोड है। एंड आई डू थिंक इस पर SEC कोई भी रिलेटेड न्यूज़ SEC की होगी वो बहुत इफेक्ट देगी, एंड जो अभी सपोर्टेड टोकन रिबाउंड 0.5543 पे है, एंड बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि कोई स्पेसिफिक फैक्टर जो कि इसको बियरिश या बुलिश मोड में डाल सके, बट अभी ऐसा लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट XRP की तरफ, एंड जैसे कि आपने देखा है मार्केट कैप इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया है, एंड इट इज़ अ पॉजिटिव साइन कि हमको आगे में इसके बुल्स देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो हम आपको पता है जो लॉ सूट पे फ्रेश डेवलपमेंट क्या हुई थी, कि जो उनका आया था जिन्होंने बोला था कि आपको पता है कि जितने भी XRP पे सोल्ड हुए हैं उसके लिए सिर्फ जो कंपनी और जो कंपनी के जो रिस्पॉन्सिबल जो कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग हैं सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो उन्होंने XRP सेल किए थे,
मतलब जो रजिस्टर सिक्योरिटीज वाला केस है 1.38 बिलियन का, तो वो एक्सचेंजेस पे और बाकी कॉमन लोगों पे वो अप्लाई नहीं करता, वो सिर्फ उनके लिए है कि जिन लोगों ने जो XRP से रिलेटेड है उन्होंने जो सेल आउट किया था। प्लस उन्होंने ये भी बोला था कि XRP एक करेंसी और एक यूटिलिटी वैल्यू प्रोवाइड करता है जो कि उसको बाकी क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंट बनाती है। तो अभी तक हमको इस पर कोई खास रिप्लाई देखने को मिला नहीं है, लेट्स सी इसके बारे में क्या मिलेगा, आपको मैं अपडेट देता रहूँगा। एंड जो अभी हम डेली चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, तो बायर्स अभी पूरी अटेंशन दे रहे हैं XRP USD पेयर पे, ठीक है ना, जहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि अपनी जो मूविंग एवरेज है इसकी रेजिस्टेंस उसके पास उसके आगे ही चल रहा है। प्लस हमको आगे देखने सकती है कि हमको देखने को मिल सकता है कि 0.55 का लेवल क्रॉस कर सकता है, एंड हम और ज़्यादा लोग जब इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हम इसको एक बुलिश ज़रूर देख सकते हैं। मतलब अभी अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, क्योंकि ज़्यादा लोग शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, तो यस मैं उनको अभी कहूँगा कि वेट करो, क्योंकि SEC से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी तो इसका उसके बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो ज़रूर XRP को अपनी वॉचलिस्ट में ज़रूर डालो, 4,56,820 लोगों ने डाला हुआ है, आप भी डाल के रखो। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ XRP के, तो देखो इसमें एक चीज़ तो बहुत पॉसिबल है कि अगर जो लॉ सूट है वो सॉल्व हो जाता है और उसका आउटकम ये आता है कि रिपल जीत जाए, तो XRP में बहुत ह्यूज सर्ज देखने को मिलेगा प्राइस को, जिसमें वो 0.675 का लेवल ब्रेक करेगा एंड $1 क्रॉस करके पॉसिबली टिल $10 to $15 तक जा सकता है। बट अगर XRP या अगर रिपल ये केस हार जाता है या कुछ नेगेटिव काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम देख सकते हैं कि XRP की वैल्यू $0.10 से भी लो हो जाएगी। बट एज पर नाउ अगर मैं देखें, अभी कोई पेसिमिस्टिक नहीं है, सब चीज़ें पॉजिटिव में चल रही हैं और मार्केट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि हमको कोई भी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिली है काफ़ी टाइम से SEC के केस रिलेटेड। सो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये अभी ज़रूर लॉन्ग टर्म में ज़रूर आपको प्रॉफिट दे सकता है, बट यस ये केस पे बहुत डिपेंड करता है। सो मैं जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हमेशा ये कहूँगा कि अगर आप XRP पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप इन माइंड फ्यूचर डिपेंडेंट इस केस पे बहुत ज़्यादा है ये क्रिप्टो, एंड आई होप कि आप सब समझते ही हैं कि इस केस का कितना बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है बाकी सारी ही क्रिप्टो करेंसीज पे। सो यही है। तो अगर मैं आपको इस आर्टिकल का आगे का क्रक्स बताऊं, तो जो की रेजिस्टेंस लेवल जो हमको आगे देखने को मिल रहे हैं, जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमको देखने को मिलेगा, अभी प्राइस आप देख सकते हो 0.5385 चल रही है, जिसमें जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मेजर लेवल है वो है 0.5500 जो कि हमको सबसे पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद 0.60 देखने को मिलेगा एंड 0.7700 मतलब आपको पता ही है, एंड सपोर्ट लेवल जो हमको सबसे मेजर सपोर्ट लेवल है 0.5 0.444 एंड 0.4। तो 0.444 तो भाई मेजर है, अगर इसके नीचे जाता है तो वी माइट सी अ मेजर सेल ऑफ कमिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज अगर इसके नीचे जाता है तो। बाकी आई होप XRP में इन्वेस्टर्स मार्केट में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं एंड ये वन ऑफ द ओनली दोस सिलेक्टिव क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि पॉजिटिव्स में चल रही हैं। बाकी आपको पता ही है, मैं आपको बताता रहूँगा अपडेट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगली व्यूज अब आपको मैं बताऊँ कि जहाँ सारी क्रिप्टो करेंसीज नीचे जा रही है उनमें से एक सर्वाइवल, तो मैंने आपको बताया कि XRP है। नेक्स्ट सर्वाइवल जो इस क्रिप्टो बैटल में है वो चल रहा है अपना BitTorrent कॉइन। अब BitTorrent कॉइन का कोई खास बड़ा अपडेट नहीं है, बट ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है जिसमें हमने को समझने को ये मिलेगा कि BitTorrent की वैल्यू क्यों आगे जा रही है। आपको पता है, अगर मैं आप इंडियन आप में वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। इसका प्राइस हम देखें तो 0.25 इंडियन रुपीज़ है, ठीक है ना। तो हमने देखने को मिला है कि BTT कॉइन है वो 4.5% राइज किया है एंड वीक में लास्ट 7 डेज में 110% का गेन देखने को मिला है। एंड जब ये आर्टिकल भी निकले थे तब भी 0.003 मैं इतना ही बोलूँगा 0.0033 पे ये ट्रेड कर रहा था। एंड हमको ये सुनने को मिला है और ये सारे मतलब आर्टिकल्स भी मैंने देखे हैं, मैं आपको अभी एक ट्वीट भी दिखा दूंगा जो ये चीज़ प्रूव करता है कि ट्विटर पे ये ट्रेंड हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ BTT माइनर्स हैं, जो BTT कॉइन को माइन कर रहे हैं, वो नेटवर्क में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं पास्ट फ्यू डेज में, एंड उसने इसकी बेसिकली हेल्प की है ऑल टाइम हाई को अटेन करने में। आपको पता है BTT ने अपना रिसेंटली ऑल टाइम हाई, अगर मैं आपको BTT के चार्ट पे लेके जाऊं तो आप देख सकते हो अभी 0.17% से डाउन है, ये अभी अभी ही हुआ था। पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, हम देख सकते हैं आप 0.16% से डाउन है एंड ये अभी अभी हुआ है, ये कोई खास नहीं। तो आप देख सकते हो ट्रेड वॉल्यूम भी लेस है एंड मार्केट कैप अभी अभी 0.16% से डाउन गया है, सेम ही है। अगर मैं आपको इसके नीचे ऑल टाइम हाई पे लेके जाऊं तो हमको देखने को मिला लास्ट ऑल टाइम हाई 0.003975 पे इसने अटेन किया था 6 डेज पहले, जिससे ये 17% ही डाउन है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ इसका सीन क्या है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने क्या किया है, इस पर किया है इन्वेस्ट तो किया ही है, प्लस जो माइनर्स आपको पता है BTT का
कोई इतनी ज़्यादा सप्लाई है, प्लस जो बीटीटी की अभी माइनिंग डिफ़िकल्टी बिटकॉइन जैसी तो है नहीं कि आपकी इतनी बड़ी बड़ी ज़्यादा फीस कट जाएगी या आपको डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा है माइनिंग में या बहुत ज़्यादा लोग माइन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। बट यस, अब जो सिग्निफिकेंट बीटीटी माइनर्स थे नेटवर्क पे बीटीटी के जो माइन कर रहे थे वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं, जिसने मेजरली लोगों को बीटीटी एक्यूमुलेट लोगों के पास ज़्यादा हो रहा है, माइनर्स के पास इकट्ठा हो रहा है, जिसके करके मार्केट में उसकी सप्लाई थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है। मतलब आपको होता है बहुत ज़्यादा सप्लाई है, बट यस मेरा कहने का मतलब ये है जैसे आप और मैं हैं, अगर हम माइन कर रहे हैं तो हमारे पास सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बीटीटी आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो प्राइस है उसको ऑल टाइम हाई पहुंचने में पॉसिबिलिटी मिली है और वो पॉसिबल ऑल टाइम हाई पहुंच गया है। एंड नेक्स्ट फ्यू डेज में हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और पॉजिटिव्स में जाए, क्योंकि हमको देखने को मिला है एज नंबर ऑफ माइनर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये बढ़ता ही जा रहा है, प्लस इनका पीछे कॉम्पिटिशन भी आया था, मैंने आपको बताया था हीओबी और बाइनेंस में, जहां ट्रेड करने पे आपको नियरली $250,000 एक एक्सचेंज पे था और आई थिंक 2 लाख का रिवॉर्ड एक एक्सचेंज पे था, वो हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक चीज़ है जो हम देख सकते हैं कि बिटटोरेंट की और लॉन्ग टर्म पे आपको ज़रूर प्रॉफिट देगा। शॉर्ट टर्म का हम कह सकते हैं कि हमको आगे रिजल्ट मार्केट पॉजिटिविटी, आपको पता है जो 2 मेजर पिलर है बिटकॉइन और इथेरियम, जब ये प्रॉपर पॉजिटिव्स में हो जाएंगे, जब मार्केट फिर से ग्रीन होगी तो हमको इस पे राइज देखने को मिलेगा। बट हमको वैसे भी जब सारी मार्केट रेड थी हमको तब भी इसमें राइज देखने को मिला है, तो आई डू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक नया ऑल टाइम हाई बहुत जल्द अटेन करेगा। आपको पता है मैं कोई ये पक्का नहीं कहता, आपको पता है रिसर्च बेस्ड है, बट येस एंड बट अगर मैं आपको बताऊँ एक प्रूफ देने के लिए, तो आप देख सकते हो BTFS ऑनलाइन माइनर्स 5,39,648 पहुंच गए थे, जो कि नया ऑल टाइम हाई है और बहुत हायर अमाउंट में बढ़े हैं माइनस। आप देख सकते हो लास्ट 30 डेज में 5,39,648 माइनस, तो बहुत ज़्यादा लोग अब BTT को माइन कर रहे हैं। सो हमको BTT की प्राइस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला और इसी वजह से ये पॉजिटिव्स में भी था, जब सारी मार्केट डाउन थी तो लोग BTT पे अब माइन कर रहे हैं। सो यही है सारा स्क्रक्स, बाकी मैं आपको ज़रूर अपडेट्स देता रहूँगा कि क्या चलता रहेगा XRP और BTT का। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो कर दो लाइक, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताओ कि XRP और BTT के क्या चल रहा है मार्केट स्टैट्स, क्यों क्रिप्टोकरेंसी मार्केट डाउन है उनको भी थोड़ा बहुत पता लगे। एंड यस यार, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो या वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दो, चैनल पे आओ, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स का सबसे पहले पता चले। एंड प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि हमको और सपोर्ट मिलता रहे। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप मतलब उस ग्रुप में मैं आपको लिंक्स दे देता हूँ वीडियोस के, जो यूट्यूब नहीं भेज पाता या बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक जो कवर होती हैं वो मैं आपको भेज देता हूँ नई नई क्रिप्टोकरेंसीज, तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। प्लस मेरे को कमेंट भी करके बताना कि आप क्या चाहते हो। मैंने एक आज रिसेंट पोल डाला है जिसमें मैंने ये बताया कि क्या हम एक ही वीडियो में 2 क्रिप्टो कवर करें या छोटी छोटी 1-2 वीडियोस 2-3 वीडियोस आपके लिए लाते रहें ताकि आपको इजीली पता लगे और आप स्पेसिफिक कॉइन को कवर वीडियो देख सकें। सो वो ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो का इतना ही है भाई लोग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या।